दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सोने से पहले इन जगहों पर लगाएं सरसों का तेल और फिर देखें इसका कमाल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सरसों के तेल का इस्तेमाल लगभग सभी घरों में किया जाता है। कोई खाना बनाने के लिए तो कोई शरीर की मालिश करने के लिए इसे रोजाना इस्तेमाल करता है। सरसों का तेल सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद है। इस तेल में कई विटामिन, मिनरल्स और अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। अगर सोने से पहले शरीर के कुछ हिस्सों पर इसे लगाया जाए तो गजब के फायदे मिलते हैं। आज हम आपको उन्हीं हिस्सों के बारे में बताएंगे जहां सरसों का तेल लगाने से कई प्रॉब्लम दूर होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कहां पर सरसों का तेल लगाना चाहिए। नंबर 1, सिर की मालिश। अगर आप दिन भर काम से लौटकर थक जाते हैं, जिससे आपको तनाव भी रहता है, तो रात को सोने से पहले सिर पर सरसों का तेल लगाकर अच्छे से बालों और सिर का मसाज करें। इससे रिलैक्स मिलेगा और तनाव दूर रहेगा। नंबर 2, नाभि। सोने से पहले सरसों का तेल नाभि पर लगाएं। इससे होंठ फटने की समस्या तो दूर रहती ही है, साथ ही होंठ खूबसूरत भी दिखने लगते हैं। इसके अलावा नाभि पर सरसों का तेल लगाने से पेट दर्द और पाचन संबंधी प्रॉब्लम भी दूर रहती है। इसके साथ ही इससे आंखों की जलन, खुजली और सूखापन भी ठीक हो जाता है। नंबर 3, पैर के तलवे। रोज रात को सोने से पहले अगर पैरों के तलवों पर सरसों का तेल लगाकर मालिश की जाए तो आंखों की रोशनी तेज होती है। अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती तो यह नुस्खा आपके लिए बेस्ट है। साथ ही इससे शरीर स्वस्थ और मजबूत बना रहता है। नंबर 4, चोट। अगर लंबे समय से लगी चोट ठीक होने का नाम नहीं ले रही तो वहां सरसों का तेल लगाएं। अपनी चोट पर सरसों का तेल तब तक लगाते रहे जब तक चोट सूख कर ठीक ना हो जाए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि रात को सोने से पहले किन जगहों पर सरसों का तेल लगाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएं। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ हैक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।